नमस्ते बच्चों, पिछली कक्षा में हम प्रतिरोधों के संयोजन के बारे में पढ़ा। प्रतिरोधों का जो संयोजन है वह तीन प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम, और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम मिलकर मिश्रित क्रम का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से तीन क्रम, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित क्रम संयोजन में आपने देखा कि श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध हैं, तुल्य प्रतिरोध विभिन्न प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। सूत्र में यदि हम सूत्र के रूप में देखें तो श्रेणी क्रम के लिए हमने निकाला था, सूत्र की स्थापना की थी, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 धन R2 धन R3। यदि तीन प्रतिरोध हों तब हम लिखेंगे R बराबर R1 धन R2 धन R3। यदि तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में दिए हों तो हम उसे तुल्य प्रतिरोध का मान 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। इस प्रकार से सूत्र की स्थापना हमने की थी। इस पर आधारित आज हम प्रश्न देखते हैं कि इस पर यदि कोई प्रश्न आपको दिया जाए तो आप किस प्रकार से हल करेंगे। तो हम देखते हैं, पहला प्रश्न यदि देखें तो यहाँ मैं देख रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, एक ओम का एक प्रतिरोध है। इसके साथ यदि समांतर क्रम में दो प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, पहला है 2 ओम का, दूसरा भी है 2 ओम का, तो इन ए बी है, इनके बीच तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। आपको प्रश्न दिया जाएगा कि निम्न परिपथ जो है इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा ए बी सिरों के बीच। तो आप देखें, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1 ओम का जो यहाँ पे प्रतिरोध है इसके साथ में 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो हम यदि इसे देखें तो यह 1 ओम का जो प्रतिरोध है और ये 2 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोध हैं, इनको यदि हम हल करें, इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि यदि समांतर क्रम में तीन प्रतिरोध हैं तो 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3 होता है। चूंकि यहाँ कितने प्रतिरोध हैं, 2 प्रतिरोध हैं, तो हम यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि पहला प्रतिरोध R1 बराबर 1 ओम, दूसरा प्रतिरोध को हम मान लेते हैं R2 बराबर 2 ओम, और तीसरा प्रतिरोध R3 बराबर है 2 ओम के। तो अब हम इन दोनों प्रतिरोध R2 व R3 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो हम इसे हल करते हैं। तो आप लिखेंगे कि R2 व R3 समांतर क्रम में हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध का मान माना R4 है, तब इन R2 व R3 का तुल्य प्रतिरोध जो मान आएगा उसे हम ले रहे हैं R4। तो हम लिखेंगे कि 1/R4 बराबर होगा 1/R2 धन 1/R3 के। अब R2 व R3 के मान रखने पर यदि हम मान रखें तो R2 का मान है 2 ओम, 1/2 धन R3 का मान है 2 ओम, तो 1/2 हम लघुत्तम लेंगे, 2 और 2 का लघुत्तम 2, और 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 का आप 1 से गुणा करेंगे तो 1, इसी प्रकार 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, 1 और 1 का आप 1 से गुणा करते हैं तो 1, इस प्रकार से 1 धन 1 2, 2/2 2 एकम 2, इस प्रकार से आप
को तुल्य प्रतिरोध 1/R4 का मान मिला 1/1 ओम, आप इसे कह सकते हैं। यदि इसे हम क्या करेंगे, परिवर्तित करेंगे तो R4 बराबर कितना हो जाएगा, 1/1 को हम क्या कहेंगे, 1, तो 1 ओम हो या 1/1 हो, यदि आप उसे परिवर्तित करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध R4 का मान कितना आया, 1 ओम आया। तो इस प्रकार से इन दोनों प्रतिरोधों को आपने हल किया, हल करने के पश्चात 1 ओम आया। तो हम देखें कि ये A सिरा है जो कि R1 1 ओम है, इन दोनों को हल करने के पश्चात R4 हमने माना है तुल्य प्रतिरोध, इसका मान भी कितना हुआ, 1 ओम हुआ। अब देखें तो ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो श्रेणी क्रम में होने के कारण आप लिखेंगे कि R1 व R4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए माना तुल्य प्रतिरोध R है। तब R1 व R4 श्रेणी क्रम में है, माना तुल्य प्रतिरोध R है, तब R बराबर हम लिखेंगे R1 धन R4। R1 का मान हम रखेंगे तो R1 का मान 1 धन R4 का मान भी है 1। इस प्रकार से हमें तुल्य प्रतिरोध A व B सिरों के बीच 2 ओम प्राप्त होगा। तो आप लिखेंगे कि इस प्रकार सिरे A B के बीच 2 ओम होगा। तो इसे इस प्रकार से आप यदि पूर्ण रूप से बनाएंगे, हल करेंगे, तो इस प्रकार से बनेगा। आपको जो परिपथ दिया है प्रतिरोधों के लिए, उसमें मुख्य आपको ये ध्यान देना है कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन समांतर क्रम में है। श्रेणी क्रम है तो श्रेणी क्रम का आपको सूत्र लगाना है, यदि समांतर क्रम है तो समांतर क्रम का आप उसमें सूत्र लगाएंगे और उसे आप हल करेंगे। अब यदि हम आगे और देखें तो मौखिक रूप से भी आप जब अभ्यास करेंगे, 2-3 बार आप इसे बनाएंगे, तो आप इसे मौखिक रूप से भी आप हल कर सकते हैं। एक चीज़ आपको मैं बता दूं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि आप बनाएंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं में आप परीक्षा दिलाएंगे, तो उसमें इस प्रकार का सवाल प्रश्न आता है। तो उसमें देखिए कि यदि देखिए 2 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध समान मान वाले हैं, पहला प्रतिरोध यहाँ पे 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है, दोनों समांतर क्रम में हैं, तो समांतर क्रम में हैं और दोनों प्रतिरोधों का मान यदि समान हो, तो आप याद रखिए कि समांतर क्रम में यदि प्रतिरोध के मान समान हैं, उनका जो तुल्य प्रतिरोध हम निकालें, तो आप देख रहे हैं कि तुल्य प्रतिरोध को हम सूत्र के माध्यम से निकाले तो तुल्य प्रतिरोध का मान हमें 1 ओम प्राप्त हुआ। तो हम ये कहेंगे कि 2 ओम और 2 ओम समान वाले, समान मान वाले यदि प्रतिरोध दिए गए हैं, तो आप क्या कीजिए कि जो 2 है, 2 ओम वाला यदि प्रतिरोध है, तो उसे आप जो भी है, जो भी मान वाले प्रतिरोध हैं, उनको आप 2 से भाग दीजिएगा, तो 2 एकम 2, तो उस प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा, 1 ओम। यदि 10 ओम वाले 2 प्रतिरोध दिए गए,
10 ओम वाला यदि आपको दो प्रतिरोध दिया गया है 10-10 ओम के और दोनों समांतर क्रम में हैं, तो आप क्या करेंगे 10/2, तो 2 × 5 = 10, तो 10-10 वाले 10-10 ओम के दो यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में हैं तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा 5 ओम होगा। इसी प्रकार से यदि और आपको चित्र के माध्यम से यदि मैं बताऊं, इस प्रकार से यदि ये 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, तो आप क्या करेंगे 5 को किससे भाग देंगे 2 से, तो 5/2 = 2.5 ओम। तो इस प्रकार से ये आप मौखिक रूप से बता सकते हैं कि उसका मान कितना होगा। तो यदि आप इस पूरे परिपथ का मान जानना चाहें तो आप जान सकते हैं कैसे, 2 और 2 = 1 और 1 और 1 श्रेणी क्रम में है, तो 1 + 1 = 2। तो आप मौखिक रूप से बता सकते हैं कि जो परिपथ है उसका मान कितना आएगा, ये आप चेक कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आप 2 और 2 = 1, 1 और 1 = 2, तो उसे जब आप हल करेंगे तो भी आपको 2 मिलेगा। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है जहाँ पे आपको प्रश्न दिया रहेगा और नीचे में 4 विकल्प दिए रहेंगे जिसमें 1 सही रहेगा और 3 गलत होते हैं, तो वहाँ पे कम समय में आप बता सकते हैं कि उसका मान कितना होगा। तो आइए और एक आध हम बना के देखें प्रश्न मौखिक रूप से कि मान कितना होगा। तो ये मैंने बनाया 10 ओम का, इसके साथ समांतर में 2 लिया रेजिस्टेंस, ये है 5 ओम और ये है 5 ओम। अब आपको यदि पूछा जाए कि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, तो सबसे पहले आप देखिए कौन श्रेणी क्रम में है और कौन समांतर क्रम में है। तो आप देखेंगे कि ये 5 ओम और 5 ओम का जो प्रतिरोध है यह श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है तो ये दोनों जुड़ के 10 ओम हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि ये ऊपर ये 10 ओम है, इसको हम हल करें, इन दोनों को हल करें, तो इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध है वह भी 10 ओम का होगा। और अब देखें 10 और 10 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है, तो इसका मान 10/2 = 5 ओम होगा। तो आप इस प्रकार से मौखिक यदि हम निकालें तो इस प्रकार से ये तुल्य प्रतिरोध का मान 5 ओम प्राप्त होगा। अब यदि और देखें हम, ये 3 प्रतिरोध दिया गया है, 2 2 2 ओम के 3 प्रतिरोध आपको दिए गए हैं, इसके साथ 3 ओम का यदि प्रतिरोध है और चार ओम के 2 प्रतिरोध दिए गए हैं, अब इनके बीच आपको तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना है। तो देखिए ऊपर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 ओम 2 ओम 2 ओम श्रेणी क्रम में है तो तीनों जुड़ जाएंगे, तो 2 2 = 4 2 = 6 ओम 6 ओम हो गया। नीचे में इसके साथ है 3 ओम, ये दोनों कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में। अब इन दोनों को हल करें तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो 4 4 ओम के हैं, तो इसका मान होगा 4/2 = 2 ओम। अब देखिए अब ये दोनों समांतर क्रम में हैं, लेकिन मान जो है वह समान है क्या, नहीं है, 1 6 ओम का है, दूसरा 3 ओम का है। तो इसे आप यदि हल करेंगे तो हमने कल एक सूत्र पढ़ा था कि दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में होते हैं तो उसके लिए 1/r बराबर हमने लिया था 1/r1 + 1/r2, और इसे हल करके हमने r का मान निकाला था r1 × r2 / r1 + r2, हमने ये पिछली कक्षा में यह निकाल लिए थे।
निकाला था, तो देखिए कि यदि दो मान अलग अलग हों तो समांतर क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे, तो पहले उनका आपस में गुणा करेंगे दोनों को, तो आपस में गुणा करेंगे तो 6 3 18 और बटे में उन दोनों को हम जोड़ देंगे 6 3 9 और उसको भाग दिए तो 9 2 18। तो मौखिक रूप से यदि हम निकालें, यदि मान अलग अलग हों तो पहले आप उसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे 6 3 18 बटे 6 3 9 और 9 2 18, तो इसका मान आपको मिलेगा कितना, 2 ओम, और इस प्रकार से ये भी 2 ओम। अब देखिए कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में होने के कारण तुल्य प्रतिरोध AB का मान आपको मिलेगा 4 ओम। तो हम यदि समान हैं तभी ऐसा करेंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कि यहाँ 6 और 3 है तो हम 6 3 का 3 कर दिए, ठीक। तो इस चीज़ को याद रखिए कि हम कब समान है तब उसका आधा करते हैं, यदि असमान है तो आप इसे यदि बनाना चाहें तो आप पूरा यदि बनाते हैं उसको, तो आप ऐसा बनाएंगे 1/r बराबर होगा 1/6 ÷ 1/3, फिर आप लिखेंगे 1/r लघुत्तम आएगा 6, तो 1 ÷ 3 2 6 2, फिर आप लिखेंगे 3/6, 3 1 3 3 2 6, और इसे फिर r बराबर लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा 2 ओम। तो यदि आप बनाते हैं इसको, पूर्ण रूप से हल करते हैं, तो आप इस प्रकार से हल करेंगे 1/r = 1/r1 ÷ 1/r2। लेकिन ये शॉर्ट ट्रिक है, मतलब फॉर्मूला आप याद रखिए कि यदि दो अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, पहले आपस में गुणा, तो 6 3 18 और आपस में योग, उसके बाद उसको भाग देंगे तो डायरेक्ट हमारा वो मान मिल जाएगा। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, महत्वपूर्ण है, इस तरीके से आप वहाँ पे हल कर सकते हैं, और परीक्षा में आप जब बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, अंकों के विभाजन के आधार पे बनाएंगे। तो चूंकि 12वीं कक्षा है, महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसे आपको बता दिया दोनों तरीके से कि आप इसे ऐसा भी हल कर सकते हैं। तो आप कई प्रकार के प्रतिरोधों को आप बनाइएगा, जैसे मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको प्रश्न दे रहा हूँ, उसे आप बना कर देखिएगा कि तुल्य प्रतिरोध का मान कितना कितना आपको प्राप्त होगा। कुछ प्रश्न तो आप अपना होमवर्क गृह कार्य कीजिएगा। पहला प्रश्न, बीस ओम 10 ओम तुल्य प्रतिरोध AB का मान ज्ञात कीजिएगा। दूसरा प्रश्न, 1 ओम 2 ओम 6 ओम 3 ओम। तीसरा प्रश्न, PQ ले लेते हैं, 8 ओम 4 ओम 10 ओम 10 ओम। चौथा प्रश्न यदि हम लें, 2 ओम 3 ओम 4 ओम। पांचवा प्रश्न यदि हम लें, 1 ओम 3 ओम
ओम, छः ओम। छठवां प्रश्न यदि लें दो ओम, तीन ओम, पांच ओम, तो इस प्रकार से कुछ प्रश्न है यहाँ पे जिसे आप बनाकर देखिएगा। तो इस प्रकार हमने प्रतिरोधों के संयोजन पे आधारित प्रश्न आप बनाइएगा। मैं आपको बता देता हूँ सरसरी तौर पे, ये दोनों समांतर क्रम में है, इसके साथ यह श्रेणी क्रम में है, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, इसके साथ ये समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है, ये दोनों समांतर क्रम में है, हल करने के पश्चात दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीनों श्रेणी क्रम में है। यहाँ पर आप देखेंगे तो संरचना कुछ आपको टेढ़ी मेढ़ी नज़र आएगी, लेकिन आप उससे घबराइएगा मत। आप किन के सिरों के बीच हमें याद करना है उन सिरों को आप देखिएगा। ए और बी के बीच हमें याद करना है तो देखिए कि ये दोनों, यदि आप ए और बी को पकड़ कर खींचें तो ये दोनों श्रेणी क्रम में हैं, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, इसके साथ ये समांतर क्रम में हैं। इसको आप हल करेंगे तो ये दोनों भी श्रेणी क्रम में, तीनों आपस में श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। छठवें प्रश्न में भी आप देखें तो ए और बी इनके बीच हमें याद करना है, तो देखिए तीनों श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ पे श्रेणी क्रम का सूत्र लगेगा और आप इसे हल कीजिएगा। कोई भी प्रश्न में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिएगा, उनके सिरों को आप रस्सी समझ लीजिएगा। आप एक रस्सी समझिए, हाथ में पकड़िए, आपके हाथ में एक रस्सी है और उस रस्सी को आप खींचिए। तो जब आप खींचेंगे तो आप देखिएगा कि जो फैल रहा है, फैलने पर अर्थात खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ रही है, लंबाई बढ़ रही है। तो जब आप इन दोनों सिरों को खींचेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है वो लंबाई बढ़ेगी, तो ये दोनों जो है श्रेणी क्रम में होंगे। और ये इनको यदि आप खींचते हैं तो ये दोनों क्या होंगे, सिकुड़ कर सामने आ जाएंगे। तो आप पहचान सकते हैं कि कौन सा श्रेणी क्रम है, कौन सा समांतर क्रम है। जब आप उसे खींचेंगे, यदि उसमें खींचने पर फैलाव होता है, यदि वो उसकी लंबाई बढ़ती है, जैसे मैं इनको खींचूंगा तो इनकी लंबाई में वृद्धि होगी, तो इस प्रकार से ये दोनों श्रेणी क्रम होंगे। और यदि मैं इनको खींचूं तो ये आपस में सिकुड़ कर एक दूसरे के सामने आ जाएंगे, तो एक दूसरे के सामने आने पर वह क्रम होता है समांतर क्रम, और खींचने पर वह चैन के रूप में, श्रृंखला के रूप में इसे आप खींचेंगे तो ये दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे, तो वो होता है श्रेणी क्रम। तो आप कोई भी परिपथ में श्रेणी क्रम और समांतर क्रम यदि उसे आप पहचान गए तो आप उसमें उस सूत्र का मान रख कर उसे आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप देखिएगा कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिलकर मिश्रित क्रम कहलाते हैं। तो ये जो व्यवस्था यहाँ पे है, यह मिश्रित क्रम है जिसे आप तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करना आप कर सकते हैं। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं किरचाफ के नियम पर। किरचाफ जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1842 में जटिल विद्युत परिपथ होते हैं, जटिल विद्युत परिपथ उनको हल करने के लिए, सुगम बनाने के लिए नियम दिए, जिसे हम कहते हैं किरचाफ के नियम, उनको हम अध्ययन करेंगे। तो आइए किरचाफ का नियम देखें। किरचाफ के नियम, सन 1842 में जटिल विद्युत परिपथ को सुगम बनाने के लिए कि
किरचॉफ का नियम बनाया गया और यह ओम का जो नियम है, ओम के नियम का विस्तार मात्र है। ओम का जो नियम होता है उसी का विस्तार किया गया है और इसमें दो नियम बनाए गए। किरचॉफ का जो पहला नियम है या जिसे हम कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम। अब किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसमें यदि हम देखें तो कोई विद्युत परिपथ में किसी संधि, विद्युत परिपथ में एक संधि है, जैसे मैं बोलूं ये एक बिंदु, ये कहलाती है संधि। तो इस संधि पर धाराएं आएगी, धाराएं उस पे आएगी। जैसे यहाँ पे मैं धाराओं को प्रवेश करा रहा हूँ, तो जैसे ये धारा आ रही है I1, यहाँ से धारा निर्गत हो रही है I2, I3, I4 और ये मान लीजिए धारा आ रही है I5। तो इस प्रकार से किसी संधि, तो एक विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ में कोई संधि होगा, कोई बिंदु। तो किसी भी संधि पर विभिन्न धाराएं आप देख रहे हैं आ रही हैं, धाराएं अलग अलग हैं I1, I2, I3, I4, I5, इस प्रकार से हम इसमें इनको नाम दिए हैं। तो सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग अर्थात समीशन I, ये समीशन हम चिन्ह लगाते हैं, समीशन मतलब योग, किनका, धाराओं का, धारा को हम I से लेते हैं, तो समीशन I बराबर हमें मिलता है 0। तो हम कहेंगे कि किसी विद्युत परिपथ, पहला जो नियम है वह है किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर सभी किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर मिलने वाली कर देते हैं, मिलने वाली सभी उस बिंदु पे मिल रहे हैं, तो हम कहेंगे मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समीशन I बराबर 0। किसी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, इस बिंदु पे शून्य होगा। ठीक, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे धारा आ रही है, तो आने वाली धाराओं को जो आ रही हैं उसको आने वाली धारा बोलेंगे और संधि से जा रही हैं तो उसे हम बोलेंगे जाने वाली धाराएं। तो जो संधि की ओर आती हैं उन्हें हम कहते हैं आने वाली धारा। तो आने वाली धारा जो संधि की ओर आ रही है उसे हम धनात्मक लेते हैं और जो संधि से दूर जा रही है जिसे हम कहेंगे जाने वाली धारा। तो जाने वाली धारा को हम क्या लेते हैं, ऋणात्मक लेते हैं। आप याद रखिएगा, संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक लिया जाता है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे देखें तो आने वाली धारा कौन कौन सी है, I1 है, I3 है और कोई है क्या, I5 है। I1, I3 और I5 ये आने वाली धारा है, तो इन्हें हम क्या लेंगे, धनात्मक, और
आई टू संधि से जा रही है, तीर का चिन्ह से आप देखेंगे कि वो जा रही है, जाने वाली धारा है कि आने वाली धारा है। तो आप देख रहे हैं कि आई टू और आई फोर जाने वाली धारा है, तो हम लिखेंगे आई वन आने वाली धारा, इसलिए धनात्मक। उसके बाद आई टू यदि हम देखें तो जाने वाली धारा है, इसलिए ऋण लगाएंगे। फिर देखेंगे I3 आने वाली धारा है, इसलिए धन लगाएंगे। जाने वाली धारा I4 है तो उसे हम ऋण लगाएंगे। संधि की ओर आ रही है, आने वाली धारा I5 है तो उसे हम धन लगाएंगे। और इन सभी का योग किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो सभी का जो योग है वह 0 के बराबर होता है, तो हम 0 लिख देंगे। अब देखते हैं कि I1 धन, I3 धन, I5 बराबर। जितने ऋणात्मक वाले हैं उसे हम पक्षांतर कर दें तो I2 इधर आके धन I2 हो जाएगा और धन I4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए I1 I3 I5 बराबर I2 प्लस I4। तो I1 I3 I5 ये तीनों धाराएं कौन सी हैं? आने वाली धारा। और I2 I4 कौन है? जाने वाली धारा। तो हम देखें कि जो आने वाली धारा है वो जाने वाली धारा के क्या होगी? बराबर होगी। तो हम लिखेंगे कि किसी भी संधि पर आने वाली धारा बराबर होती है जाने वाली धारा के। तो यह जो किरचाप का पहला नियम है यह आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल हुआ कि आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा है। तो आप याद रखिए कि किरचाप का जो प्रथम नियम है वह आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल है। किसके अनुकूल है? आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल। तो यह जो नियम है किरचाप का प्रथम नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुकूल है। इसके पश्चात दूसरा नियम दिया गया है। तो हम देखते हैं कि किसी भी प्रतिरोध, कोई प्रतिरोध यदि है तो उसमें धारा का दिशा हम देखें तो इस प्रकार से एक प्रतिरोध है, अभी हम आगे देखेंगे। इस प्रतिरोध का मान यदि R है, इनमें बहने वाली धारा यदि I है, यदि हम A से B की दिशा में जाएंगे, A से B की दिशा में जाएंगे तो हम आगे की ओर जा रहे हैं, तो आगे की ओर यदि हम जाएंगे तो हम धनात्मक लेंगे I into R। और यदि मैं बोलूं कि B से A आना है, हम कैसे आएंगे? B से A, तो धारा कैसे जा रही है? आगे की ओर। हम आ रहे हैं पीछे की ओर। तो यदि A से B जा रहे हैं तब हम धारा की दिशा देखेंगे A से B, तो धारा की दिशा भी कैसी है? A से B है, तो वह धनात्मक लेंगे IR। और यदि हम B से A आना चाहें विपरीत दिशा में, तो B से A यदि हम आ रहे हैं तो धारा की दिशा कैसी हो गई? विपरीत, तो हम उसे लेंगे -IR। तो इस चीज़ इन चीज़ों का आप याद रखिएगा, अभी हम देखेंगे आगे इसकी आवश्यकता होगी। तो आगे हम देखते हैं कि किरचाफ का द्वितीय नियम, किरचाफ ने दूसरा नियम भी दिया था, उस नियम के आधार पर क्या होता है। किरचाप का द्वितीय नियम, किरचाप के द्वितीय नियम में किसी भी विद्युत परिपथ के
किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल के संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम है कि किसी भी विद्युत परिपथ के कोई विद्युत परिपथ है जिसमें परिपथ किस प्रकार का है, बंद है, तो बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I और संगत प्रतिरोध जो R है उनके गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल को हम E से दर्शाते हैं, तो जितने भी विद्युत वाहक बल हैं उनके बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यह किरचॉफ का द्वितीय नियम है और कैसा होना चाहिए, यह बंद होना चाहिए। तो जो परिपथ है वह बंद होना चाहिए। तो हम एक परिपथ का निर्माण करते हैं, जैसे यहाँ पे देखें तो ये आपका है विद्युत वाहक बल E1, एक प्रतिरोध हम ले रहे हैं R1, उसी प्रकार से विद्युत वाहक बल, और ये हमारा है प्रतिरोध जिसे हम ले रहे हैं R2, और ये है तीसरा प्रतिरोध जिसे हम ले रहे हैं R3, और इस बिंदु को दे रहे हैं A B C D E, और ये हो गया F। तो जब विद्युत वाहक बल यहाँ पे होने के कारण बैटरी हम सेल लगाए हैं जिनके सिरों पे धन ऋण है, तो यहाँ पे जो है आवेश वह प्लस से माइनस की ओर, इस प्रकार से यह I1 और R2 के लिए हमारा हो जाएगा ये I2, और ये दोनों जब नीचे की ओर आएंगे इस प्रतिरोध में तो यहाँ से हमारे पास I1 धन इन सिरों से I2 का भी प्रवेश होगा, तो R3 पर बहने वाली धारा क्या होगी, I1 धन I2 होगी, R1 पे धारा होगी I1, R2 पे धारा होगी I2। तो इस प्रकार से ये धारा का दिशा इस प्रकार से हो रहा है, करंट का दिशा। अब हम यदि देखें तो यहाँ पे दो बंद जाल बन रहे हैं। देखिए ये ऊपर वाला जाल बंद है, कैसे, A B C D A,
तो एक बंद जाल बन रहा है। तो यह जो द्वितीय नियम है वह बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल के बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो अब हम देखें कैसे बराबर होता है। तो हम बंद जाल कौन सा ले रहे हैं, पहला बंद जाल लेंगे आप ए बी सी डी और आप उसे ए भी बोलते हैं। तो पूरा यदि हम बोलें तो ए बी सी डी ए, ये पूरा बंद जाल हुआ। इसमें बंद जाल ए बी सी डी भी आप बोल सकते हैं, आपके पुस्तकों में ए बी सी डी लिखा होगा या आप ए बी सी डी ए भी बोल सकते हैं। पूरा यदि कंप्लीट आप बोलना चाहें तो ए बी सी डी ए या ए बी सी डी, ऐसा भी आप बोल सकते हैं, दोनों सही है। आपके पुस्तक में ए बी सी डी लिखा होगा या आप उसे ए बी सी डी ए में। अब हम किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे। तो आप अब देखिए कि हम ए से बी जाएंगे, ए से बी जा रहे हैं, तो देखिए धारा का दिशा कैसा है, इस ओर है। तो धारा जो है R1 पे बहने वाली धारा कितनी है, I1। तो हमारा मान होगा I1 R1। उसके पश्चात हम बंद जाल में देखें R2 में बहने वाली धारा आगे आएगी, तो इसमें जो धारा है वो आगे की ओर जाएगी। तो ये I2 जो धारा है वो आगे की ओर जाने के कारण, अब देखिए धारा इस ओर है और हम जा कैसे रहे हैं, आगे की ओर। इस डायरेक्शन में आप देखेंगे तो ये इसके क्या है, विपरीत है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस I2 R2। तो धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो धारा की दिशा ऊपर की ओर है, तो I1 R1 सेम डायरेक्शन में हुए तो ये पॉजिटिव हुआ। और ये I2 के सापेक्ष यदि देखेंगे तो हम ऊपर जा रहे हैं, तो धारा विपरीत दिशा में हुई, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस I2 R2। और यह बराबर होगा तब किसके, उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बल। तो देखिए दो विद्युत वाहक बल है, एक E1 है और दूसरा है आपका, इसे हम नाम देते हैं E2। तो दो विद्युत वाहक बल हैं, पहला है E1, तो देखिए माइनस से हम ऊपर से जाएंगे ऐसा, तो माइनस से प्लस, तो प्लस E1। और इसके लिए यदि आप आएंगे ऊपर से ऐसा आएंगे, धारा का डायरेक्शन इस डायरेक्शन से देखेंगे आप, तो ऐसा आएंगे तो माइनस से प्लस है तो प्लस लेंगे, और जब इधर आएंगे तो प्लस से क्या है, माइनस, तो हम क्या लेंगे, माइनस E2। तो इस प्रकार से हम कहें कि यदि इस प्रकार से प्लस से माइनस जाएंगे, प्लस से माइनस, तो हम लेंगे माइनस, और यदि हम इधर से आ रहे हैं माइनस से प्लस, तो हम लेंगे प्लस, और प्लस से यदि इस ओर जा रहे हैं तो माइनस। तो जिस ओर जाते हैं उसी ओर हम लेते हैं, तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2 होगा। और इसी प्रकार से दूसरा जाल यदि हम लें तो नीचे है C D E F में, इसे आप ए बी सी डी लिख लीजिए और इसे सी डी ई एफ ले लेंगे, तो इसमें आप देखेंगे नीचे वाले सिरे में तो वो आपको मिलेगा I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2। तो इस वाले जाल में यदि देखें तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, तो ये R2 के साथ क्या है, I2, तो आप लिखेंगे I2 R2, फिर नीचे आ रहे हैं तो I1 प्लस I2 धारा आ रही है R3 में, तो आप लिखेंगे प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर, ऊपर की ओर जाएंगे तो माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस, तो आप लिखेंगे बराबर E2। तो इस प्रकार से I1 और I2 का मान यदि आपको ज्ञात हो तो आप E1 और E2 का मान आप ज्ञात कर सकते हैं। तो किरचॉफ का यह द्वितीय नियम है कि जो संगत प्रतिरोधों धाराओं का जो गुणनफल है वह विद्युत वाहक के
गुणनफल विद्युत वाहक के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, आपस में बराबर होते हैं। और इन नियमों का हम प्रयोग आगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे करेंगे। तो किरचॉफ के दो नियम हैं जिसे आप याद रखेंगे। धन्यवाद।